और उधर देहरादून में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित मंत्री सुबोध उनियाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। और इसी दौरान चारधाम के संयोजक सुरेश सेमवाल ने कहा कि आज कैबिनेट मंत्रियों को दर्शाया गया है कि ये एक काला कानून है और इसे हर हाल में वापस लिया जाए। जब केंद्र सरकार तीनों कानून वापस ले सकती है तो राज्य सरकार देवस्थानम बोर्ड के इस काले कानून को वापस क्यों नहीं ले सकती है। वही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक समिति भी बनाई हुई है और इसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। सरकार इस पर कैबिनेट में फैसला ले सकती है, जबकि 30 नवंबर तक का समय तीर्थ पुरोहितों ने को दिया गया था। हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बताया कि बोल रहे हैं कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया जाए कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उसके बाद हम लोग इसे